आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो बातचीत चल रही है, सहमति नहीं बन पाई है, इस वजह से आप 20 सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास हमने अपना प्रपोजल भेज दिया। अगर वो हमको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाते हैं, अगर वो अपने गठबंधन में हमको लेते हैं, तो फिर हम वहाँ हमारा वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन हमको हिस्सेदारी कोई नहीं देना चाहता। आप संभल आए हैं, संभल में आपने, जैसे मैंने बताया, परिवार से भी मिले हैं ज़ियाउर रहमान बर्ग से। मैंने देखा ज़ियाउर रहमान बर्ग से आपने कुछ कान में कहा, क्या कहा कान में? हमारे दल अलग है, वो एक अलग बात है कि हमारे दिल एक है, लेकिन हमारे दल अलग है। तो वो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, उनके वो टिकट मिले या ना मिले वो उनका फैसला है। हाँ, हम तो इतना कहते हैं कि कल भी हमारे दरवाजे खुले थे, आज भी हमारे दरवाजे खुले और कल भी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में, मैं हूँ आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। जब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर अखिलेश यादव सहमत होते हैं, उन्हें प्रत्याशी देते हैं, तो अगर नहीं देते हैं तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और ख़ास तौर पर उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीम लीडर का परिवार चुनाव लड़ता है। हमारे साथ में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, वो संभल में आए हैं। सर, संभल में आप आए हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है संभल आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब की सबसे करीबी सीट है, कही जाती है, और यहाँ से सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्ग साहब का भी कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ है, 2-3 दिन पहले इंतकाल हुआ है। आप उनके घर पर होकर आए हैं, क्या कुछ बात हुई है, क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देखते हैं 2024 की राजनीति और डॉक्टर बर्ग के इंतकाल को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आज जो मेरा संभल का दौरा था ये कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था। डॉक्टर साहब का इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा नुकसान है कौम का, मिल्लत का, दबे कुचलों का, तो मैं ताज़ियत पेश करने के लिए आया था डॉक्टर साहब के घर पे। मैंने उनके बेटे मौलाना ममलुकुररहमान साहब और उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब से मैंने मुलाकात की, और मैंने बर्ग साहब के कब्रस्तान पे जा कर के वहाँ भी मैंने दुआ की, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और रही बात जो आपने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर नहीं बल्कि हमने 20 सीटों का प्रस्ताव बना करके अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेज दिया है। अब आखिरी फैसला हमारे कौमी सदर साहब करेंगे कि हम 20 पे लड़ेंगे या 25 पे लड़ेंगे या 14 पे लड़ेंगे या 10 पे लड़ेंगे, ये फैसला उनको करना है। जैसे ही वहाँ से हमको ग्रीन सिग्नल मिलता है वैसे ही हम प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर देंगे। रही बात कि कुछ सीटें जो आपने जैसा कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नहीं बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अखिलेश यादव अपने परिवार को सिर्फ लड़ाना और जिताना चाहते हैं, बाकी को उनसे मतलब नहीं है, तो ये बात गलत ना होगी। मुस्लिम बाहुल सीटों पर खुद लड़ना, अपने परिवार को लड़ाना, अगर आप बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के सामने मैं तो कहूँगा कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी को लड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं लड़ते हैं? आप कहते हो कि हमको मोदी को हराना है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ही हराओ ना, उन्हीं को आप बनारस मत जीतने दो। आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो बातचीत चल रही है, सहमति नहीं बन पाई है, इस वजह से आप 20 सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास हमने अपना प्रपोजल भेज दिया। अगर वो हमको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाते हैं, अगर वो अपने गठबंधन में हमको लेते हैं, तो फिर हम वहाँ सीट की बात नहीं करेंगे। पार्टी जो बेहतर, गठबंधन जो बेहतर समझेगा जितनी सीटें हमें देगा, उसमें कोई झगड़े का मामला नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें गठबंधन में जाने के बाद कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं,
कि मुस्लिम लीडरशिप को उत्तर प्रदेश की सियासत में नामनिहाद सेकुलर पार्टियां अछूत समझती हैं। हमसे इसलिए अलायंस नहीं करती हैं क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो कलमा गो के हाथ में है, हमारे लीडर एक मुसलमान है। आपने विधानसभा के इलेक्शन में उन पार्टियों से अलायंस किया जिन पार्टी का नाम नहीं जानते थे लोग, लेकिन आपने हमसे अलायंस इसलिए नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे लीडरशिप खड़ी हो जाए, क्योंकि उनका अपना जो कोर वोटर है सौ समाजवादी पार्टी का उनके साथ नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ चला गया। यही 20% अल्पसंख्यक समाज का जो मुस्लिम समाज है, यही 20% जहाँ जाता है समाजवादी के साथ गया तो समाजवादी के ज़्यादा MLA जीत जाते हैं, BSP के साथ गया तो BSP के, जैसा कि आपने 22 के इलेक्शन में देखा कि 27% मुसलमानों ने वोट किया था। तो हमारा वोट तो सब लेना चाहते हैं लेकिन हमको हिस्सेदारी कोई नहीं देना चाहता। आप संभल आए हैं, संभल में आपने जैसे मैंने बताया परिवार से भी मिले हैं ज़ियाउर रहमान बर्ग से, मैंने देखा ज़ियाउर रहमान बर्ग से आपने कुछ कान में कहा, क्या कहा कान में? अब ज़रूरी नहीं होता है कि हर बात साझा की जाए, और ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब ने अपने कैरियर की सियासत की जो शुरुआत की है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से की है। उन्होंने पहला इलेक्शन अपनी ज़िंदगी का जो लड़ा है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, और 62,000 वोट उन्होंने हासिल किया था, 8,000 समथिंग वोटों से हम वहाँ चुनाव हारे। और मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर बग साहब ने अपनी ज़िंदगी में कम वक्त ही सही लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी हिस्सा रहे, और खुशी इस बात की है कि मैंने उनके साथ मंच को भी साझा किया, और हमारे कायद नकीबे मिल्ला जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी कुछ ही वक्त सही, लेकिन एक डंडे एक झंडे एक प्लेटफॉर्म पर। और भग साहब ने भी हमेशा यही पैगाम दिया, भग साहब किसी भी पार्टी का हिस्सा रहे हों लेकिन मरहूम ने हमेशा यही पैगाम दिया, सबसे पहले उन्होंने कौम मिल्लत की बात की, सबसे पहले पार्टी की लाइन से हट करके हमेशा डॉक्टर साहब ने बात की कि भाई इस कौम के बारे में कोई बात नहीं करेगा और हम नहीं करेंगे तो ये कौम हमें माफ़ कैसे करेगी। कहा यह जा रहा है कि अगर ज़ियाउर रहमान बर्ग का टिकट कटता है या उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो AIMIM संभल से चुनाव लड़ेगी, और हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब संभल से चुनाव लड़ें, जैसे कि आज भी देखने को मिला है आजमगढ़ से तमाम गाड़ियां आज संभल में AIMIM की घूमती हुई नजर आई। देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये प्रपोजल हमने पिछले 2019 के इलेक्शन में उनको भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि शौकत साहब मैं हैदराबाद छोड़ करके नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ियाउर रहमान बर्ग को टिकट मिले या ना मिले ये उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे दल अलग हैं, वो एक अलग बात है कि हमारे दिल एक है लेकिन हमारे दल अलग हैं, तो वो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, उनके वो टिकट मिले या ना मिले वो उनका फैसला है। हाँ हम तो इतना कहते हैं कि कल भी हमारे दरवाजे खुले थे, आज भी हमारे दरवाजे खुले और कल भी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। जी हाँ, आजमगढ़ से क्या लग रहा है, आजमगढ़ से आपके सामने आप चुनाव लड़ेंगे या और कोई कैंडिडेट लड़ेगा, अखिलेश यादव के सामने कौन होगा? देखिए लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा कोई भी इलेक्शन हो आखिरी फैसला जो होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह फैसला। देखिए मैं दूसरों के बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह सकता हूँ कि ये कैंडिडेट है ये कैंडिडेट, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं कह सकता। आपने क्या रिपोर्ट दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की जाकर? मुझे नहीं लगता है कि ये बात मुझे आपसे साझा करनी चाहिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है कि हम क्या रिपोर्ट अपने कायद को भेज रहे हैं। वो लगता है कि आपको इस बार 2024 में 2 से ज़्यादा सांसद होंगे AIMIM के? नहीं, हम 2 से ज़्यादा क्यों बोलें, हम तो कह रहे हैं हमारे 15 होंगे। हम अल्लाह सुबहान व तआला की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, जीत हार अल्लाह सुबहान व तआला के हाथ में, हम लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे कल तारीख में हमारा नाम होगा, हुक्का चढ़ाने वालों का नाम तारीख में थोड़ी लिखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में AIMIM के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट
शौकत अली साहब थे, उन्होंने बताया 2024 को लेकर उनका क्या रुझान है, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस, अल्फराज शेख के साथ। शुक्रिया।